So firstly, ma'am, welcome to IWM Buzz. Big congratulations. Thank you. Finally, seeing you back on TV. How's that feelings for you? I'm very excited. कुछ अच्छा करना चाहती थी, एक अच्छी कहानी के साथ आना चाहती थी. लोगों ने इतना प्यार दिया है हर किरदार को, तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किरदार चूज़ करना. अब वंशज के साथ भूमि का रोल प्ले कर रही हूँ. आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा. जब कैरेक्टर के बारे में पता चला, हाउ वाज योर रिएक्शन? जब कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मेन लीड की माँ का रोल है, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है. बिकॉज़ ऐसा बहुत सारे शोज़ को मैंने ना किया है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी अ प्रॉप मदर. कहीं पे पीछे माँ खड़ी है और ख़त्म हो गई, क्योंकि सैडली हमारी टीवी इंडस्ट्री के पास ना ओल्डर स्टोरीज़ है नहीं, एंड हीरोइन मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था. तो जब मुझे माँ का रोल जब भी आता है मैं नहीं करना चाहती हूँ. लेकिन जब मैंने उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप एक बार कहानी सुन लीजिए, तो जब मैंने कहानी सुना तो मैंने कहा कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, इट्स द मेन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है युविका के लिए, भूमि उसकी माँ, जो उसको आगे राह दिखाती है कि कैसे इस फैमिली में कैसे अपने धीरे धीरे कदम रखने. सो इट इज़ अ लॉट, इट हैज़ लॉट टू डू टू द स्टोरी, इट्स वेरी पिवोटल टू द स्टोरी. और इसीलिए मैंने कहा कि यस, आई डू भूमि इज रोल इन वंशज. माय क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि हमने हमेशा को एक हीरोइन की किरदार में देखा है, जब मदर का किरदार निभाते हो डू फाइंड कि उसके बाद बैक टू बैक वही कैरेक्टर्स ऑफर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि मैं माँ कर रही हूँ. मैंने माँ के रोल काफ़ी बार किए हैं, और आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एज रिलेटेड रोल्स करती आई हूँ. हीरोइन एज करती है. फर्स्ट यू आर अ गर्लफ्रेंड, देन यू बिकम अ वाइफ, देन यू बिकम अ मदर, देन यू बिकम अ मैच्योर्ड मदर. सो आई एम ऑल्सो इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ. तो मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम प्लेइंग अ मदर, बट ऑफकोर्स द मदर शुड हैव समथिंग टू डू. Because I have done so much work that I cannot be doing nothing in a scene. So if you will see the story, I have a beautiful character. The journey of my character is really lovely. I am actually the only support that Yuvika has in the whole family. So I'm playing actually, agar hamari story bole jaye, ek simple line mein, it is modern day Mahabharat, and I'm playing the Kunti's role. So, which is a very important role. So, yeah. Shooting away from home, do you find this challenging for you? I was very skeptical about doing this. But when I heard the story and I came here, and when we started, they have really made us stay so comfortable and nice. And it is not that far from Bombay. Hum Bombay ke traffic mein hi joojhte rehte hain kahi baar. So it is not really that far. So kabhi kabhi up down kar leti hun, kabhi yahan par reh leti hun. Achha khasa time nikal jata hai aur hum 12 ghante to kaam hi karte hain. So yeah, it's very comfortable stay and it's not that bad. ओके मैम, अगर बात किया जाए शो की, तो शो में दो फैमिलीज दिखाया गया है, एक आपकी फैमिली और एक रॉयल फैमिली जो है. हाउ यू विल बी टैकलिंग दिस टू फैमिलीज? कैसे ये जो पूरी कहानी है हमारे वंशज की, एक लाइन में बोले तो इट्स अ स्टोरी ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स, यू नो. एंड इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर हमारी ऑडियंस रिलेट करेगी, यू नो. बिकॉज हमेशा हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं कि उनके पास ऐशो आराम है, लेकिन खोखले हैं, यू नो. और ये कोविड में हमने सब कुछ जान लिया है, यू नो. और तो ये जो नागर फैमिली है, दे आर द रियल पीपल, दे आर व्हाट डू दे से, दे आर कनेक्टेड टू देयर रूट्स. एंड यही सच्चाई और राइटनेस से भूमि अपने बच्चों को उसने बड़ा किया है, और उन अपने बच्चों के लिए वही रास्ता वो आगे रख रही है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ महाजन. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ भूमि एंड नागर, दैट्स इट. कोई एक्टर को मिले करने तो वो हमेशा OTT करता है, लेकिन एज अ TV पर्सनैलिटी आई वुड से कि OTT हमारे लिए, हम TV पर्सनैलिटीज के लिए, हम TV क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी था. वो एक चैलेंज था, आप हमारे फ्यू एपिसोड्स देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो वेब शो है, बिकॉज इतना चैलेंज हो गया
गया है, OTT इतना ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आया है, मेकिंग भी, कि अभी हम जो टेलीविजन पर्सनालिटीज़ हैं, हमारे जो क्रिएटर्स हैं, वो हिल गए हैं, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड, बिकॉज इनको हिलाना बहुत ज़रूरी था एंड OTT ने वो किया है. एंड इफ़ यू वॉच वंशज द फर्स्ट 10 एपिसोड्स, आई एम गारंटी आई एम गिविंग यू दैट यू विल से ये तो वेब सीरीज़ है. हम ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक टीवी शो पे आपके इतने वेरियस लोकेशंस होते हैं, एक सेट होता है, वहाँ पर जाते हैं शूटिंग करते हैं. हम ऋषिकेश गए हैं, हम पता नहीं कितने और लोकेशंस पे गए हैं, रियल रनवे पे गए हैं, हॉस्पिटल, रियल लाइव लोकेशंस पे गए हैं, और हमने शूट किया है जो टीवी पे मैंने तो कभी नहीं किया. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट थैंक यू OTT टू चैलेंज अस. स्वास्तिक प्रोडक्शन मूव्स फॉर देयर ह्यूज सेट्स. बहुत अच्छा लगता है कि हमारा घर ऐसा है. यस, रॉयल तो है, एंड उसी वजह से हम उमरगांव में शूट कर रहे हैं, क्योंकि इतना ग्रैंडर और इतना बड़ा सेट बॉम्बे में लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो दैट वॉज अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हाई वी एक्सेप्टेड एंड नाउ वी आर एंजॉयिंग इट. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अप योर टाइम. लास्ट इवन मैसेज फॉर द ऑडियंस हु ऑलवेज लव यू. यस, माय ऑडियंस हैव ऑलवेज लव्ड मी. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मेरा हर किरदार पसंद किया है, बहुत सारा प्यार दिया है. जब मैं गायब हो गई थी, मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि आप कहाँ हो. सो थैंक यू सो मच. और आप सब लोगों के लिए मैं वापस आ गई हूँ, इस बार भूमि के नाम से, इस कैरेक्टर के नाम से एक शो कर रही हूँ, वंशज, जो सोनी सब पर आ रहा है रोज रात 10 बजे मंडे टू सैटरडे. तो प्लीज देखिए और उतना ही प्यार मुझे दीजिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंk यू सो मच. थैंk यू.